कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन में रखी चाह चलाया ये छुआ, तू है ये जादू हुआ। अस्सलामुअलैकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्टी मेकअप लुक सिखाऊंगी। थोड़ा सा हैवी है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है, करना बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट इसमें दो से तीन ही कलर लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। और ये लुक है जी ग्लिटर में, ठीक है ना। हम लोग इसमें ग्लिटर लगाएंगे और देखते जाएंगे कितना मैं इजी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। अब मैंने अपने आईब्रोज फिल कर दिए हैं जी, बिल्कुल लाइट लाइट से करने हैं, जहाँ से आपकी खाली जगह है बस उन्हीं को फिल करना है। या मैंने मिस रोज़ फाउंडेशन ले लिया, उसके अपनी पूरी आईलिड के ऊपर इस तरह से हमने ब्रश की मदद से हमने फैला देना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्लैक की, कोई भी पेंसिल आपने ले लेनी है। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी, ये थोड़ी सी मोटी सी है आगे से, ठीक है। तो ये मेरे पास फुल ब्लैक में यही थी। और तो इस तरह से मैंने अपनी कट क्रीज के ऊपर ऊपर मैंने ये पूरी लाइन इसके साथ मैंने क्रिएट कर लेनी है, ठीक है जी। थोड़ी सी हमने बाहर निकालें ताकि हमारी आँख जो उनकी है ना थोड़ी सी लंबी नज़र आए और डेप्थ देने में भी आसानी हो, ठीक है। डेप्थ मैं एंड पे बिल्कुल दूँगी, देखते जाना आप जी। यहाँ मैंने ले लिया ये वाला ब्राउन कलर, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक में शामिल है ये ब्राउन। और मैंने छोटे से ब्रश के साथ इसको मैंने क्लीन कर लिया है, इस पूरी लाइन को अपने, कोई भी हार्श लाइन नहीं निकलनी चाहिए। अगर कोई निकल भी आए तो आपने क्या करना है, जिस तरह से छोटा सा ब्रश लेना है उसके साथ अच्छे से आपने इसको ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग इसमें बहुत ज़्यादा मस्त है और तभी तो ये लुक जितनी भी हैवी होती है ना उसमें ब्लेंडिंग का कमाल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा जो कलर होते हैं ना हमें वो ब्लेंड हुए नज़र आते हैं। हमने क्या करना है जी, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर ले लिया है, उसको भी हमने इस तरह ब्लेंड कर दिया है इसके ऊपर ऊपर, ठीक है। जो हमारे कलर ज़्यादा होंगे ना तेज़ वाले कलर, वो ब्लेंडिंग उस पर ज़्यादा नज़र आएगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी ग्लिटर और जस्ट मैंने नीचे कोई कलर अप्लाई नहीं किया। ये वाला जी ग्रीन ग्लिटर मैंने इसके साथ ऊपर ग्लिटर डाल के ना, ये वाला ग्लिटर ग्रीन कलर का। आप चाहें तो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, कोई भी वाइट लगाएं, ब्लू लगाएं, रेड लगाएं, येलो लगाएं, ऑरेंज लगाएं, सिल्वर लगाएं, ब्लैक लगाएं, कोई भी आपके पास ग्लिटर मौजूद है आप कोई सा भी ग्लिटर आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलें मेरे जो ड्रेस के बीच में कलर था ना वो ये वाला कलर था, तो मैंने यही लगा दिया। जस्ट हमने ऊपर क्या करना है जी, दो कलर लगाने हैं, उसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है। फिर हमने मिड में जितना भी वो जो जगह बची होती है ना आई बोन की, वहाँ पे हमने क्या करना है जी, ग्लिटर लगाना है। और हमने यहाँ पे जी लाइनर की तरह हमने ये करा, ये देखिए ये ब्लैक है, ये मैं लाइनर से ही इसको मैं अच्छे से डेप्थ देने लगी हूँ लाइनर की तरह, ठीक है जी। हमने फुल ऊपर किया आईब्रोज तक और उसको हमने हल्का हल्का सा हमने स्ट्रोक्स अंदर की तरफ निकालने हैं, ताकि ये हमारी जो जगह थोड़ी सी खाली है ना ये कवर हो जाए। है अपनी आईलिड को हमने पूरा कवर करना है, ठीक है। ये कलर लगा के हमने अपनी आईलिड को पूरा कवर कर लेना है और अच्छे से इसको ब्लेंडिंग करनी है। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने पैरेट की तरह चूंच बना लिया है जेल आईलाइनर के साथ, ठीक है। और उसको छोटा सा बारीक सा पतला सा ब्रश हो और उसके साथ हमने बिल्कुल लैशेज़ के साथ जोड़ जोड़ के हमने ये क्या करना है जी, विंग क्रिएट करना है। विंग तो हमने चलो इसका बनाना ही नहीं है ना, लेकिन हमने इसको यहाँ से गैप नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि जब लैशेज़ लगती है तो फिर वो गैप नज़र आता है, फिर वो बहुत बुरा सा लगता है। यहाँ मैंने छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद मैंने क्या करना है जी, कर्ल ले लेना है, इस तरह से अपनी लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है, लेकिन बस इतना सा है कि हमारी जो है ना कर्ल हो जाए। उसके बाद मैं एसेंस का लगा रही हूँ मस्कारा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाटर प्रूफ है और ये कितने घंटों तक तो आपकी आईज़ से फैलता नहीं है, ये इसकी ये क्वालिटी है कि ये फैलेगा नहीं, जितना मर्ज़ी आप इस पे पानी डालो मुँह धोलो। यहाँ मैं लगा रही हूँ जी वाइट जेल आईलाइनर। तो इसको लगाने के बाद बेसिकली जो मैंने यहाँ पे ब्लैक, ये जो मैंने ब्लैक कलर का इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे जो मैंने अप्लाई किया है ये वाला कलर, इसकी वजह से मेरी आईज़ शेड कितना, इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, कितना ही पिगमेंटेड लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये पूरे जो है ना हमने आईज़ के अंदर वाइट इस तरह से कलर लगा लिया है, और इसके आईज़ के नीचे भी हमने वाटर लाइन पर भी जो हमने ऊपर लगाया होगा वही हमने नीचे भी लगाया, ताकि जो हमारी लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर मैंने लगा लिया है जी 3D लैशेज़, और इसको लगाने के बाद हमारी होगी जी लुक डन। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है जो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।